हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंदन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, दोस्तों आप पक्का कभी ना कभी अपने डेली लाइफ में ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस, जैसे कि किसी भी कीमत पर जिद मत करो फिलहाल या फिर आँख मत मारो। ये सब एकदम छोटा सा सेंटेंस है जो हम लोग बोलते हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या फिर कोई अगला बोलता है तो हम लोग समझ पाते हैं कि क्या बोल रहा है। तो आज मैं ऐसा ही 20 से 25 सेंटेंस आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है और मार्केट गया और वो बोलता है कि मुझे भैया वो चाहिए मुझे खिलौना, तो हम लोग बोलते हैं जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, अभी नहीं। अगर बोलना होगा कि अभी नहीं, मतलब खिलौना लेंगे पर अभी नहीं, तो बोलेंगे नो डेट, अभी नहीं, घबराओ मत, मतलब घबराओ मत, मतलब कि मैं खिलौना लूँगा, या फिर अब जा रहे हैं कहीं बहुत दूर, ठीक है, अंधेरा हो गया तो बोलते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, तो उससे बोलेंगे हम अपने अगले को कि घबराओ मत, डोंट पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबराहट, ठीक है। उसके बाद आपकी माँ है, ठीक है, आपको दे रही है खाना और बहुत ज़्यादा दे रही है, मतलब कि थोड़ा और ले, तो बोलें, तो बोलते हैं ना हम लोग कि इतना नहीं, नॉट डैट मच, इतना नहीं। फिर बोलेगी एक बार और, मतलब कि ले लो थोड़ा सा और, ले लो रोटी ले लो, या फिर आप देखोगे टीवी सीरियल में पक्का जेठालाल को कि वंस मोर, ऐसा मतलब कि सेंटेंस सुनने के लिए आपको मिला होगा, वंस मोर, वंस मोर, एक बार और, वंस मोर का मतलब होता है एक बार और, हो गया, इट्स डन, मतलब हो गया, इट्स डन, मतलब कि कोई आपको देता है कि होमवर्क कर देना, ठीक है मेरा, तो आप कर देते हैं होमवर्क उसका, तो बोलते हैं इट्स डन या हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई आपका दोस्त है, अगर कोई आपको मतलब कि रहता है ना कि सेटिस्फाई करता है कि किसी भी कीमत पर, मतलब कि तुम इसे नहीं ले सकते हो, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं ले सकता हूँ इसको, किसी भी कीमत पर ले सकता हूँ, कुछ भी, मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी है या फिर बुक है, तो किसी भी कीमत पर मैं इसे ले सकता हूँ, तो ए वर्ड यूज करते हैं किसी भी कीमत पर। तो हम लोग बोलेंगे एट एनी कॉस्ट आई कैन बाय दिस, एट एनी कॉस्ट आई कैन बाय दिस, मैं इसे खरीद सकता हूँ, उससे बुलाओ, मतलब कि मेरा भाई बाहर है, ठीक है, तो बोलते हैं कॉल हिम, उससे बुलाओ, ठीक है। उसके बाद मुझे जाने दो, मुझे मतलब कोई ऐसा मतलब कि नेसेसरी काम है, ठीक है, जो भी कुछ काम है, तो बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे भी काम है, तो बोलेंगे लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है, ये मतलब कोई नेसेसरी वर्क है तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे जाने दो, तो आप यूज कर सकते हैं बोलने के लिए। कोई आपको बोल सकता है कि क्या ज़रूरी था जाना वहाँ पे, क्या ऐसा कुछ काम था आपको वहाँ पे, तो बोलते हैं यकीनन वहाँ पे मतलब मेरा कुछ ऐसा काम था, नेसेसरी वर्क था, तो बोलते हैं सटर्नली, मतलब कि यकीनन, मतलब यकीन करना, ठीक है ना, सटर्नली का मतलब यकीनन, ऑफकोर्स बोलते हैं ना ऑफकोर्स, तो यकीनन उसका भी होता है, सटर्नली मतलब यकीन होता, दोनों का मतलब कि सेंस एक ही है, ठीक है, ऑफ कोर्स और सर्टनली, फिलहाल, फिलहाल का बोलते हैं मतलब कि फिलहाल, ऐसा सेंटेंस तो आप हमेशा सुनते हैं, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल का होता है फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा इंतज़ार करो, वेट अ वीट, या फिर कुछ क्षण के लिए इंतज़ार करो, तो बोलेंगे वेट अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए इंतज़ार करो या फिर थोड़ा इंतज़ार करो, तो बोलेंगे वेट अ बिट, यहाँ पे मतलब है ना मॉडर्न है इंग्लिश यहाँ पे, तो मॉडर्न के लिए यहाँ पे मैं स्पोकन के लिए मॉडर्न लिया हूँ सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कर सकते हैं और आगे तक फैला सकते हैं, और लगता है ख़राब तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद आँख मत मारो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डोंट विंक, डोंट विंक, आँख मत मारो, तुरंत जाओ, मतलब कि वह आने वाला है, तुरंत जाओ, गो एट वंस, तुरंत जाओ, गो एट वंस। उसके बाद जल्दी आना, मैं जा रहा हूँ मार्केट तो मम्मी बोलती है कि जल्दी आना, कम सुन, या फिर अब मैं बाहर हूँ तो बोल कोई बोलता है कि जल्दी आना, कम सुन, ऑफिस में जल्दी आओ तो बोलते हैं कम सुन, जल्दी आना, ठीक है। जल्दी मत करो, तो बोलते ये स्पोकन के लिए मॉडर्न वर्ड है, डोंट रश, जल्दी मत करो, या फिर डोंट मेक हेस्ट, मतलब कि जल्दी मत करो, इसका मतलब सेंस में यही होता है, ठीक है, डोंट मेक हेस्ट, मतलब हेस्ट मतलब ये होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद कितनी जल्दी, हाउ सून, मैं किसी को बोला कि तुम
मेरा बुक यहाँ से उठा कर वहाँ रख दो या फिर राम को बुला लाओ। तो वो बुला कर ले आता है, तो बोलते हैं इतनी जल्दी या फिर कितनी जल्दी, ठीक है कितनी जल्दी, हाउ सून, कितनी जल्दी, हाल ही में, हाल ही में उसका बस मतलब कि गिर गया, तो रिसेंटली यूज़ करते हैं, हाल ही में मतलब रिसेंटली, या फिर आप सुने होंगे कस्टमर केयर पर रिसेंटली दैट यू हैव नंबर डायल्ड इज़ करेंटली बिजी, ठीक है ऐसे सुने होंगे, द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ रिसेंटली बिजी, रिसेंटली का मतलब होता है हाल में ही बिजी है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं रिसेंटली का मतलब हाल में ही। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।